आपको दिखाते हैं। इसमें डालते हैं इस तरीके से है। इसमें देखिए ये आलू डाला, इसको ऐसे डाल के यहाँ से प्रेस करना है। कितने अच्छे से आलू, ये देखिए कितना अच्छा निकलता है और बिल्कुल एक भी गुठली आलू में नहीं रह जाएगी। आलू का पराठा बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा तैयार होता है आलू। इसमें ये देखिए सारा आलू यहाँ से निकल गया है और इसमें भी बिल्कुल पिस गया। एक और आलू आपको डाल के मैं दिखाती हूँ। आलू के लिए मशीन भरता बनाने के लिए बहुत अच्छी है। ये देखिए बस इसको ऐसे प्रेस कर देना है, इस तरीके से प्रेस करना है, बिल्कुल मस्त आलू निकल के आता है। ये देखिए और बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। अगर हम कद्दूकस से करते हैं तो ये चिपचिपा हो जाता है, इससे बिल्कुल चिपचिपा नहीं होता है, काफ़ी अच्छा इससे निकलता है। इससे हम पनीर भी निकाल सकते हैं, पनीर पानी उबाल के जो पनीर निकाल जाता है इसमें हम निकाल सकते, छान सकते हैं तो अच्छा पनीर भी इसमें बन जाएगा। देखिए और दिखाते हैं, इतना बड़ा आलू है इसको डाला, बस इसको ऐसे प्रेस कर दिया। ये देखिए सब निकल गया। अगर इससे आलू के सेव बनाना चाहें तो सेव भी आराम से बन सकते हैं गरम तेल में। इसको इस तरीके से निकाल लीजिए और उसके बाद में चाट मसाला डाल के खाइए, बहुत अच्छा बनेगा और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा।